वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे या एक लफ्ज़ के बारे में, वो लफ्ज़ है एनलाइटनमेंट। वैसे तो कहते हैं इसका जो अगर आप मायने अगर देखें उर्दू के अंदर, तो एनलाइटन होना या इनलाइटनमेंट बोलते हैं किसी का बसीरत रखना, बड़ा रोशन ख्याल होना, बहुत ज़्यादा जो है ना अकल या दानिश रखने वाले को कहते हैं दिस मैन इज़ एनलाइटन या इनलाइटनमेंट। पर एनलाइटनमेंट वर्ल्ड वाइड हर जगह एक मखसूस कैफियत के बारे में जो है ना ये वर्ड यूज़ होता है, एनलाइटन्ड, दिस मैन इज़ एनलाइटन्ड, या एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस होगा आपको। तो बेसिकली एनलाइटनमेंट जो है वो एक हादसा भी कह सकते हैं, एनलाइटनमेंट एक वाकया है पूरा। अब एनलाइटनमेंट होता क्या है बेसिकली उर्दू में, मेरे नज़दीक अगर आप स्पिरिचुअल इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे ना, तो वो आता है लफ्ज़ वसल के अंदर। वसल का वैसे तो मतलब होता है मिलाप, पर रूहानी आप जब तौर पे जब विसाल की बात करेंगे या वसल की बात करेंगे, वो मिलाप होता है आपका अपने आप से मिलाप, आपका अपनी एक्चुअल ज़ात से मिलाप, आप पे सारे सच खुल जाने का जो एक्सीडेंट है ना, उसको बेसिकली विसाल या वसल बोला जाता है स्पिरिचुअल लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह ही एनलाइटनमेंट भी एक उसी जो है एक्सीडेंट का जो है ना वर्ड है, जिसके अंदर आपकी अपने आप के साथ मुलाकात हो जाए। अब इसको समझाने की कोशिश करूँगा, एक बड़ी खूबसूरत सबसे शांत तरीन एक किसकी ना वो थी, स्टोरी थी मैंने एक पढ़ी, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। होता ही है कि एक छोटा सा शेर का बच्चा जो है ना वो गुम हो जाता है, भटकता भटकता वो एक बकरियों के रेयोड़ के अंदर जा मिलता है। छोटी छोटी बकरियां होती हैं, वो छोटा सा शेर का बच्चा होता है, उनके साथ ही वो फिरता है, उनके साथ ही उसका टाइम गुजरता है और उनके साथ ही पलता बढ़ता है। थोड़ा अरसा गुजर जाता है, थोड़ा सा जवान हो जाता है, कभी गोश्त नहीं खाता, जो बकरियां खाती हैं वो भी वही खाता है, तो प्योर वेजिटेरियन होता है। तो होता ही है कि कहते हैं वो चलता ही बकरियों की तरह था शेर का बच्चा, और उसको लगता था मैं हूँ भी बकरी, उसके तो जहन मान में भी नहीं था कि वो शेर हो सकता है। होता क्या है कि एक दिन ना एक बूढ़ा शेर वहाँ से गुजर रहा होता है, वो बेसिकली होता है बकरियों की तलाश में, कोई बकरी को शिकार कर ले। अच्छा वो जी मंजर देखता है, वो देखता है कि एक जवान शेर वो कहते हैं बकरियों के रेवड़े के अंदर फिर रहा है, वो ना सिर्फ अंदर फिर रहा है वो चल भी उनकी तरह ही रहा है और घास खा रहा है। अच्छा उसके लिए बड़ा अजीब था सारा कुछ। अब होता क्या है, शेर उन बकरियों के रेवड़े के पीछे जो बूढ़ा शेर होता है भागना शुरू करता है, तो वो जो जवान शेर होता है वो भी बकरियों के साथ डर के भागना शुरू कर देता है, जिस तरह बकरियां डर रही होती हैं वो भी डर रहा होता है। ये बूढ़ा शेर होता है ना वो एक काम करता है, बकरियों को तो जाने देता है, वो ये जवान शेर होता है ना उसको जाके गर्दन से पकड़ के नीचे ढा लेता है, और जब वो नीचे गिरा देता है उसे गर्दन से पकड़ के उसे कहता है तू इधर क्या कर रहा है। जवान शेर को समझ नहीं आती ये मुझे खा नहीं रहा, उल्टा ये जीप बात कर रहा है मेरे से कि तू इधर क्या कर रहा है। खैर वो खामोश रहता है, बूढ़ा शेर उसको गर्दन से पकड़ता है और सामने नदी बह रही होती है उसके पास ले जाता है, और जाके उसको ना पानी के आगे उसको खड़ा कर देता है और उसे कहता है जरा अपने आप को देख तो सही। शेर बहुत हैरान हो जाता है पहली दफा इस तरह अपना आप जब देखता है उसके सामने कि मैं बकरी नहीं हूं। उसकी सबसे पहली आशनाई होती है अपने साथ, मैं शेर हूं। खैर
बूढ़ा शेर उसको अपने साथ लेके जाता है, तो गार में लेके जाता है, उसके सामने गोश्त का टुकड़ा फेंकता है। अब वहाँ पर बड़ा अजीब मंजर होता है, वहाँ पर जब वो शेर उस गोश्त के टुकड़े को सूंघता है ना, उसके अंदर अजीब सा तूफान आता है। एक उसको वो महक इतनी अच्छी लगती है, उसको तक बस मैं अभी खा लूँ, उसने जिंदगी में नहीं कभी खाया होता। और उस दिन उसके अंदर का शेर जाग जाता है। हम सब लोगों के साथ भी इसी तरह ही है, हम सब लोगों को एक ही तरीके से हजारों सालों से, अब ये कहने के ब्रेन वॉश किया हुआ, और फिर हमने अपने आप को ब्रेन वॉश किया हुआ, और एन पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हो जाए तब से ये अमल शुरू हुआ। हम जो एक्चुअली में है, बुल्ले शाह क्यों बोलता था बुल्ला की जाना मैं को, बुल्ला कोई अमीर आदमी नहीं था, बुल्ला कोई गरीब आदमी नहीं था, बुल्ला कोई नेशनलिस्ट नहीं था, बुल्ला कोई एंटी नेशनल नहीं था, ले दे कि उसका एक नाम था, अगर आप उससे भी छीन लो तो बुल्ला है कौन। और सेम चीज आप पर भी अप्लाई होती है, जो माशरे की चीजें आप लोगों को सारी पकड़ाई हुई है, ये आपसे जरा दो मिनट के लिए साइड पे छीन ली जाए तो आप है कौन। ये ग्लिम्स आपको जब आना शुरू होते हैं, और वो पहला लम्हा जब आपकी अपनी असल जात से मुलाकात होती है, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो एक एनर्जी है, एक जात है, जो आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। आपको पता है बहुत से लोग जो इनलाइटेंड हुए, वैसे तो द मोमेंट यू से कि यू आर इनलाइटेंड आप उसी टाइम पता चल जाता है झूठ बोल रहे हो, बहुत बड़ा कारोबार भी है, पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाकई में इनलाइटेंड हुए। आप लाओत्ज़ू से शुरू हो जाएं, बुद्ध से आते आते ये गुरु नानक तक आ जाएं, मतलब और बाबा फरीद तक आ जाएं, या हमारे जितने औलिया, मतलब जिन लोगों के ऊपर भी एक भेद खुले हैं या जो एनलाइटेंड हुए हैं, उनके जो वो लम्हे हैं ना एनलाइटेंड होने के, वो बड़े खूबसूरत हैं। कुछ ने कहा कि तब ऐसा लगा कि जैसे फूलों की बारिश हो रही है, कुछ ने कहा कि मेरे पे जब भेद खुला तो मैं हंसता ही रहा, तो हंसना ही है कि पूरी जिंदगी इसको ढूंढ रहा था। अच्छा, ये जो हर वक्त मेरे साथ था इसी का नहीं था पता, और ये क्या सामने ड्रामा पूरी दुनिया में लगा हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, कोई क्या चल रहा है, मतलब जीबू गरीब तो इस पे सही जाएगा। आंख खुलनी है कि ये गोश्त हड्डी आप हो ही नहीं, ना कभी थे, और ये सारा इर्द गिर्द जो हमने अजीब सा तमाशा शुरू किया हुआ है, चाहे वो फिर पैसे का और रिश्तों का और पता नहीं क्या ड्रामे हम चला रहे होते हैं, सब फ्रॉड, और इसी के अंदर पूरी जिंदगी गुजार के चले जाते हैं, तो हंसेंगे। तो एनलाइटनमेंट बेसिकली आपका अपनी जात के साथ मिलाप है, और सिर्फ मिलाप नहीं, ये उस अमल का नाम है जिसके बाद आप पे सारे भेद खुल जाते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं फिलोसफी फिलोसफर हैं, भेद तो उनको भी पता है, वो भी खोज में रहते हैं। बहुत से लोग जो मेडिटेशन करते हैं, या मतलब इस खोज में हमेशा से रहते हैं क्या हकीकत क्या है इस एग्जिस्टेंस की सारी, पर उनके अंदर ये चीज़ उतर नहीं पाती। बुद्ध के ऊपर जब बुद्ध एनलाइटेंड हुआ, तो बुद्ध बेसिकली वो रखते थे कि ना, उनको किसी ने कहा था कि तू एनलाइटेंड हो जाएगा, या तुझे भी ये एक्सपीरियंस होगा, तू भी दरवेश साधु बन जाएगा, अगर तू भूखा रहे इतने दिन ना, तो काफ़ी दिनों से भूखे थे, पतले, बहुत पतले हो गए थे, उनसे चला नहीं था जा रहा, उनके साथ उनके चेले फिर रहे थे, तो एक दरख्त के नीचे जाके बस सो गए,
उठे तो उन्होंने कहा कि यार मतलब वो को खाना पीने का बंदोबस्त करो। उस दरख्त के नीचे बुद्ध को एनलाइटनमेंट नसीब हुई थी, वसल नसीब हुआ था, और उनके जो जितने साथ साथी थे वो चले गए थे उनको छोड़ के कि ये पागल हो गए, उनका तो होता है वो अपवास सा रखा हुआ है भूख का, ये तोड़ रहा, बड़ा उल्लू का कान है भाई। बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दौर में तो आपको बड़ा फर्क पड़ता है, आपको दो ही बंदे हैं वो मानते हैं, वो आप कहोगे वो मैं भूखा भी रहूंगा, मैं सारा कुछ इनके लिए करूंगा, कोई कोई मलंग साहब एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, कोई कोई जादू कर रहे होंगे, कोई कोई करतब दिखा रहे होंगे, दिखाना चले जाओ, मुझे तो भूख लगी, जी भर के खाया उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता। कोई है साथ, कोई मानता है आपको, नहीं मानता, क्या फर्क पड़ता है? जब भेद खुलता है तब ये चीजें ही नहीं मानी रखती। तो जिस वक्त आप पर ये भेद खुलते हैं सारे, उस लम्हे को, उस कैफियत को जो कहते हैं, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। अब ये होता कैसे है, ये क्या सडनली हो जाता है, या इसके लिए कुछ करना पड़ता है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। बाकी इसके मुतालिक अगर आपने मेरे से पर्सनल बात करनी हो तो ज़रूर आप मुझे फेसबुक पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।